और मैं सुबह ही उठकर घर का सारा काम कर चुकी हूँ और साथ में मैं पूजा भी कर चुकी हूँ घर का। उसके बाद मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए, तो मैं खाने में क्या क्या बना रही हूँ मैं वो आपसे शेयर करने जा रही हूँ। उसके बाद मैं तैयार होऊंगी और तैयार होने के बाद मैं वट सभी की पूजा कैसे करती हूँ वो मैं बताऊंगी। तो चलिए मैं खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो आज मैं खाने में बना रही हूँ अरुई की सब्जी और अरुई की दाल। तो ये देखिए मैं इस तरह से फटाफट अरुई को छील लूँगी और छील कर इसे पानी में ही डालें, नहीं तो पानी में डालने से क्या होता है इसे खुजली नहीं होता है गले में और अच्छे से उसके खुजला पर निकल भी जाता है। तो इस तरह से मैं सभी अरुई को छील लूँगी और सब्जी के लिए मैं इस तरह से काट लूँगी और दाल के लिए गोल गोल काट लूँगी इस तरह से। आज थोड़ा जल्दी जल्दी काम हो रहा है क्योंकि पूजा भी करना है। ये देखिए मैं दोनों को साथ में ही काट रही हूँ ताकि जल्दी जल्दी खाना बन जाए। तो इस तरह से तेल में पहले अरुई को फ्राई करके निकाल लेना है। तब तक मैं जाती हूँ मसाला पीस लेती हूँ। जब तक वो स्लो फ्लेम पे फ्राई हो रहा है तो मैं डाल दूंगी इसमें हल्दी पाउडर और मिर्च पाउडर, साथ में धनिया पाउडर और जीरा और लहसुन डाल दूंगी इसमें। मैं लहसुन की कलियां को छीलकर नहीं डाल रही हूँ, इसे छिलके के साथ ही पीसूंगी। कुछ कुछ सब्जी ऐसा होता है कि छिलके के साथ ही पीसें तो ज़्यादा ही अच्छा बनता है। तो मसाला पीस चुका है, तब तक मैं इसे निकाल लेती हूँ फ्राई करके। तो अब मैं उसी कढ़ाई में डाल दूंगी तेल और साथ में पचफोरन और करी पत्ता नहीं है तो तेज पत्ता भी डाल सकते हैं आप और लाल मिर्च। जब ये अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तभी मैं इसमें डाल दूंगी कटा हुआ प्याज। तो ये देखिए प्याज भी भून रहा है, तब तक मैं ले ली हूँ 3-4 आम का अचार। कभी भी अरुई का कोई भी सब्जी बनता है तो अचार डालना जरूरी हो जाता है खट्टा के लिए, तो आप मिर्च का भी अचार ले सकते हैं। तो मैं ली हूँ आम का अचार और इसे हाथों से इस तरह से मल लेना है ताकि इसकी गुठलियाँ वगैरह जो भी है निकल जाए और गुठली को निकाल देना है। तब तक देखिए प्याज भून चुका है, तो अब मैं इसमें जो मसाला पीसी थी वो ऐड कर दूँगी यहाँ पर और इसे भी अच्छी तरह से भून लेंगे। जब मसाला अच्छी तरह से भून जाएगा तब मैं डाल दूंगी यहाँ पे अरुई। और जो बाकी काटी थी मैं उसे अलग हटा के रख दूंगी दाल बनाने के लिए और साथ में मैं इसमें ऐड कर दूंगी नमक। अचार को अभी मत डालिए, अचार को डालना है जब मैं पानी डालूंगी तब, पहले अचार को नहीं डालना है। तो ये देखिए सब्जी अच्छी तरह से भून चुका है, तो अब मैं इसे डाल दूंगी कुकर में क्योंकि इसे पकाने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो आप कढ़ाई में भी इसे पका सकते हैं लेकिन मैं क्या करूंगी इसे कुकर में डाल दूंगी ताकि फटाफट तैयार हो जाए। और साथ में डाल दूंगी मैं जो अचार रखी थी वो और पानी। कभी भी अचार को पानी डालने के बाद ही डालना चाहिए। तो इस तरह से कुकर लगा दूंगी और 3-4 सीटी लगा दूंगी तो सब्जी भी फटाफट तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए सब्जी तो तैयार हो चुका है। तो अब मैं जा रही हूँ दाल बनाने के लिए। तो कभी भी अरुई का दाल बनता है तो मसूर के दाल में ही बनता है, तो मैं इसे धो लूँगी। ये मिक्स दाल नहीं है, ये सिर्फ अलग का मसूर दाल है। और कुकर में डाल दूंगी मैं तेल और साथ में डाल दूंगी इसमें जीरा। इसे इसमें पचफोरन ना डालें, सिर्फ जीरा या सरसों का ही छौंका लगाना चाहिए। और
एक तरफ चावल भी चढ़ाई थी तो भी तैयार हो चुका है। और डाल दी हूँ मैं इसमें तेजपत्ता और लाल मिर्च। जब ये अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तब मैं इसमें डाल दूँगी कटा हुआ अरुई। और इसे अच्छी तरह से भून लेना है। और जो मैं मसाला पीस कर रखी थी वो भी ऐड कर दूंगी और इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। और जब मसाला अच्छी तरह से भून जाएगा तभी इसमें मैं डाल दूंगी नमक और साथ में डाल दूंगी मैं इसमें दाल जो मैं धोकर रखी थी। ये बहुत ही अच्छा दाल बनता है, स्वादिष्ट भी बनता है और साथ में मसालेदार भी हो जाता है क्योंकि इसमें मैं सभी मसाले डाली हूँ। और इसमें ऐड कर देना है पानी और इसे मैं 3-4 सीटी लगा दूंगी। तो सब्जी भी तैयार हो चुका और दाल भी पकी चुका है और भात भी हो चुका है। मैं कुकर लगा दूंगी, तब तक मैं चली जाऊंगी तैयार होने के लिए क्योंकि फिर लेट हो जाएगा, मुहूर्त के अनुसार ही पूजा करना है। तो यहाँ पे मैं ये देखिए तैयार हो रही हूँ, मम्मी मेरा हेल्प कर रही है तैयार होने में। हेल्प कम करती है परेशान ज़्यादा करती है वो। तो मैं पेड़ में पूजा करने नहीं गई थी COVID-19 होने के कारण, तो घर में ही मैं ये पेड़ का डाली ले आई थी और इस तरह से गमले में लगा दी हूँ। और पहले तो हल्दी कुमकुम लगा देना है पेड़ में और साथ में थोड़ा गमले में भी लगा दी थी ताकि सुंदर दिखे। और पंखा नहीं था तो मैं इसी के पत्ते का पंखा भी बना ली हूँ। और इस तरह से मैं पूजा कर लूँगी, माला वगैरह चढ़ा दूँगी भगवान को और फूल चढ़ा दूंगी और प्रसाद में मूंगफली मकुंदाना ये चढ़ा दूंगी, वहीं पे सब रख दूंगी मैं। और श्रृंगार का सामान जरूर चढ़ाना चाहिए, तो श्रृंगार के सामान में मैं आलता बिंदी चूड़ी सिंदूर मेहंदी ये सब पेड़ के पास रख दूंगी। और फिर बाद में इसे यूज करना चाहिए, इसे किसी को देना नहीं चाहिए, खुद ही यूज करना चाहिए इसे। साथ में फल भी चढ़ा दूंगी, तो गमले में तो जगह है नहीं ज़्यादा, तो सिर्फ मैं ऊपर सटाकर नीचे ही रख दूंगी। मैं केला और आम लाई थी तो नीचे ही रख दूंगी। और जो जा रहा है पेड़ में वहाँ भी थोड़ा बहुत रख देती हूँ। से भगवान को ध्यान करते हुए पूजा करना है। और जो शादी का सिंदूर होता है अगर आपके पास है तो लगा सकते हैं। मेरे पास तो मुंबई में नहीं रहता है तो मैं जो रहता है मैं वही लगाती हूँ, यहाँ था तो मैं लगा ली हूँ। और दिया वगैरह जला लेंगे। और ये पत्ता का जो पंखा बनाई थी उसी पंखे से भगवान को हवा दे दूंगी। और इसी पंखे से जो भी पूजा होता है करना है। और इस तरह से कलावा को बांध देना है। ऐसे तो मैं हमेशा मैं पेड़ में ही करने जाती हूँ पूजा, तो मैं घर में इसी तरह से राउंड राउंड घूम लूँगी। और जितना आपको घूमना है, 51 बार घूमिए तो 108 बार घूमिए या तो 11 बार, तो जितना भी ये कलावा है मैं घूमकर इसे पहले बांध दूंगी और फिर मैं फेरी लगा लूंगी। इस
इस तरह से मैं सभी कलावे को इस तरह से बांध दूंगी। और एक पत्ता होता है, रिवाज होता है कि सर के ऊपर लगाया जाता है, तो मैं हंस भी रही थी। वो भी मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि वो बाहर गए तो सब लेडीज लोग लगाई हुई थी, तो वो मुझे बता रहे थे कि तुम नहीं लगाई, तो मैं भी लगा ली हूँ, ऐसे मैं लगाती नहीं हूँ। और अभी मैं कथा पढ़ लूँगी, वट सावित्री का बुक आता है तो मैं वो पढ़ लूँगी अभी। तो कथा पढ़ते समय कोई सुनने वाला चाहिए, तो कोई था नहीं, तो मैं नन्या को ही बोली सुन लो आकर, और मुम्मू को। नन्या तो थोड़ा बहुत समझ भी लेती है कथा वगैरह, मुम्मू तो कुछ समझ नहीं रही है, तो थोड़ा बहुत बैठी, फिर वो उठकर चली गई और अनन्या पूरा कथा सुन ली है। तो इस तरह से मैं बुक को पढ़ लूंगी। तो इस तरह से पूजा कर लेना है। ये देखिए पेड़ कितना सुंदर दिख रहा है पूजा होने के बाद। ये देखिए मुम्मू उठ के चली भी गई है, उधर खड़ी है साइड में। तो सावित्री माँ का ही कथा रहता है। तो इस तरह से कथा करने के बाद मैं आरती वगैरह कर लूँगी और थोड़ा बहुत हवन कर ली हूँ घर में। और जब पूजा हो जाए तो थोड़ा बहुत भंडार कर लेना चाहिए। तो इस तरह से मेरा पूजा हो चुका है। तो वट सावित्री का पूजा तो दो बार आता है, या तो आप अमावस्या को कीजिए या तो पूर्णमासी को कीजिए। अमावस्या वाले में यूपी बिहार में क्या आता है, महाराष्ट्र में किया जाता है पूर्णमासी के दिन। तो इस तरह से मेरा पूजा हो चुका। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।